हाई एवरी वन दिस इज एन एम वेलकम टू पी एच डी जॉब एडमिशन सो आज के इस वीडियो में मैंने रिसोर्च मेथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और जनरली जो आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा है फॉर योर अपकमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद सो मैं आपको बता दू यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद जो है इस यूनिवर्सिटी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज कर दिया है और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए मैंने लिंक भी आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है वहां से डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और इस यूनिवर्सिटी में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है एग्जाम कैटेगरी वगैरह मैंने वहां पर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा अब उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं इस यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जामिनेशन डेट अभी तक रिलीज नहीं करी है लेकिन पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपका पेपर दो सेक्शंस में डिवाइड होता है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी तो so, सेक्शन ए में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब मैं आपको बता दू सेक्शन ए में जो ट्वेंटी फाइव आपसे पूछे जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन के लिए दो मार्क्स दिया जाता है उस तरीके से आपका फिफ्टी मार्क्स का रिसर्च ॉजी होता है so, मैं आपको बता रिसर्च रिस पर हमने आपको एक कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रखा है जिसमें हम आपको रिसर्च के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे तो so, ये वीडियो लेक्चर्स जो है वीडियो हमने हिंदी में भी बना रखा है एज वेल एज इन इंग्लिश तो वीडियो लेक्चर्स हम आपको थ्योरी well हम आपको प्रोवाइड करेंगे देन नोट्स नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रखा कर है और याद रखिएगा और नोट्स में हमने जब को इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सिनोपसिस से रिलेटेड या फिर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सो so, उस नॉलेज को हमने नोट्स में कवर कर रखा है याद रखिए इंटरव्यू के लिए आपके नोट्स ये बहुत हेल्पफुल होने वाले है बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है एंड फाइनली थाउजेंड प्लस प्रैक्टिस और उसी के साथ साथ हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं तो so, अगर आप इतना भी रिसर्च मेथोलॉजी का प्रिपरेशन करते हो हमारे इस कंटेंट से तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका इजिली इजिली सिलेक्शन होने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद में तो आपको जल्द से जल्द आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है सो so, हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट करना है नॉर्मल कॉलेज नंबर पर नहीं लगेगा याद रखिएगा आपको व्हाट्सअप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं सकते हो सो so, ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है वहां से आप डायरेक्टली हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड थाउजेंड प्लस प्रोवाइड करेंगे आपको गारंटी देते हैं अगर आप हमारा ये जो का कंटेंट करते हो, सो आपको कई और से की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिसर्च मेथडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी होंगी हम आपको रिसर्च मेथेडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको रिसर्च मेथेडोलॉजी को हमारे कोर्स के थ्रू कैसे प्रिपेयर करना है क्या हमारे

टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे और कई स्टूडेंट्स का हमारा फीडबैक भी है कि उनको उनके पी एंट्रेंस एग्जाम में इसी पीडीएफ से टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ जैसे मैंने आपको बता दिया रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन प्रिपेरेशन एक वीक में ही कवर कर सकते हो ताकि आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उस पर स्पेंड कर सकते हो अगर आपके पास सेक्शन बी का स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं सो so, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट करना है एंड फी फॉर दर्स इज जस्ट फोर एंड लेट्स विद दीडियो स्केड इन रिसर्च इज डिफाइंड एज अनुसंधान में अनुसूची की परिभाषित किया गया है इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है ये फाइंड आउट करना है कि रिसर्च में स्केड्यूल की डेफिनेशन क्या होती है मतलब आपकी जो अनुसंधान है आपकी जो शोध है शोध में अनुसूची की परिभाषा क्या होती है हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है तो आपको पता होना चाहिए स्केड्यूल ये होता क्या है पहले तो स्केड्यूल क्या होता है आपके इंटरव्यू की तरह ही होता है जैसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यूज रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं एक्सपर्ट उनके ओपिनियन लेते हैं और उसके बेसिस पे उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं थ्रू इंटरव्यूज सो स्केड्यूल भी इंटरव्यू की तरह होता है रिसर्च यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो बड़े बड़े पर्सनैलिटीज होते हैं उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं और उनके थ्रू इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं डेटा को जनरेट करते हैं स्केड्यूल so में याद रखिए जैसे इंटरव्यू में रिसर्चर क्वेश्चंस पहले से प्लान नहीं करके जाते हैं लेकिन स्केड्यूल में क्वेश्चन होते हैं जो रिसर्चर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे रिस्पोंडेंट से वो सारे क्वेश्चन प्री प्लान होते हैं वो क्वेश्चन सारे प्री प्लैंड होंगे मतलब पहले से ही रिसर्चर डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये ये क्वेश्चंस पूछूंगा उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पर रिसर्चर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। मतलब पहले से एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में सारे क्वेश्चन होते हैं और उसी क्वेश्चन को रिसर्चर्स और जो इंटरव्यूअर है वो अपने रिस्पॉन्डेंट है जिनसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं सो so, यहाँ पर सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो पहले से ही प्री प्लैंड होते हैं पहले से ही रिसर्चर प्लान कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पॉन्डेंट को यही क्वेश्चन पूछूंगा अपने इंटरव्यू में सो so, उसे कहते हैं हम स्केड्यूल लेकिन याद रखिएगा इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होते हैं वो प्री प्लान नहीं होते पहले से रिसर्चर डिसाइड नहीं करते बल्कि रिसर्चर

डेटा जनरेट कर रहे हैं पर इंटरव्यू इंटरव्यू भी एक ता, एक का ही है और यहाँ पर रिसर्चर डेटा को जनरेट कर रहे हैं डेटा जनरेट कर रहे इसका मतलब यहाँ पर रिसर्चर को जो भी डेटा डेटा मिल रहा है वो प्राइमरी डेटा मिल रहा है तो याद रखिएगा स्केड्यूल में जो भी डेटा मिलेगा आपको वो प्राइमरी डेटा होगा तो इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा डिवाइस फोर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चन मतलब प्राइमरी डेटा मिलेगा जो भी रिसर्चर क्वेश्चन पूछेंगे अपने respondents से उनको जो भी data मिलेगा वो प्राइमरी होगा मतलब यहाँ पर रिसर्चर को न्यू डेटा मिल रहा है तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का जो विकल्प सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं ऑप्शन ए टाइम पीरियड फॉर पीरियडी नहीं टाइम पीरियड नहीं होता है ऑप्शन मतलब ए so, पर पर इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा उसी तरीके से ऑप्शन बी टाइम पीरियड फॉर डेटा कलेक्शन डेटा कलेक्शन का टाइम पीरियड नहीं होता है मतलब आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है आंकड़े संग्रह के लिए समय ये भी नहीं होता है आपका स्केड्यूल मतलब अनुसूची ये भी नहीं होती है ये भी आपका ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा उस तरीके से ऑप्शन डी डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चन नहीं आप स्केड्यूल से आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो आपके रिस्पॉन्डेंट से आपको जो भी उस टाइम पर डेटा मिलेगा वो प्राइमरी होगा सेकेंडरी नहीं होगा so, पर जो आपको ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का जर्नलिस्ट वॉन्टेड टू रिकॉर्ड दूस ऑफ दीपल ऑन दजट नियर दर्ट दिंग मेथड जर्नलिस्ट विल यूज इस right बाजार में समीप एक पत्रकार को संघ के बजट पर लोगों के विचार के रिकॉर्ड करना है पत्रकार कौन सी प्रतिचय विधि का उपयोग करेगा अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जौनलिस्ट है, जौनलिस्ट एक जर्नलिस्ट है जर्नलिस्ट एक मार्केट प्लेस पर गया है और वहां पर लोगों के ओपिनियन ले रहा है जर्नलिस्ट बजट पर सो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो किस सैम्पलिंग मेथड का यूज करेगा लोगों के ओपिनियन जानने के लिए मतलब एक बाजार है उस बाजार में पत्रकार को कुछ बजट पर लोगों के विचारों को रिकॉर्ड करना है से यहाँ पर जो पत्रकार है वो कौन से अः प्रतिचयन विधि का उपयोग करेगा हमें इस क्वेश्चन में ये पता लगाना है सो so, जैसे कि यहाँ पर रिसर्चर मतलब जब जर्नलिस्ट है ये बजट पर लोगों की ओपिनियन ले रहे हैं सो so, बजट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए पहले तो बजट क्या होता है जैसे गवर्नमेंट हर ईयर में एक बजट देती है मतलब कितना पैसे कहाँ स्पेंड होने वाला है कितना पैसे आ, आ, हेल्थ पर स्पेंड होने वाला है लोगों के कितने पैसे एजुकेशन पर स्पेंड करा जाएगा सो so, यहाँ पर बजट में ये सारी चीजें डिसाइड होती है सो बजट पर लोगों की क्या ओपिनियन है जैसे हर ईयर हर साल जो है गवर्नमेंट बजट निकालती है सो so, यहाँ पर जर्नलिस्ट को ये पता लगाना है कि जो बजट गवर्नमेंट ने निकाला है उस पर लो लोगों की क्या राय है उनके क्या विचार है उनके क्या ओपिनियन है कि वो बजट सही है या फिर नहीं सही है उनके हिसाब से उनकी ओपिनियन जान रहे हैं उनके विचारों को जान रहे हैं यहाँ पर जर्नलिस्ट सो so, याद रखिएगा जर्नलिस्ट क्या कर रहे है अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट प्लेस पर गए हैं जर्नलिस्ट अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट प्लेस पर गए हैं और वहां पर लोगों से बजट के ओपिनियन ले रहे हैं तो यहाँ पर अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट में गए हैं और वहां पर अम लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं तो अपनी सुविधा के हिसाब से जा रहे हैं और जर्नलिस्ट मतलब यहाँ पर जो तो जर्नलिस्ट है ये कन्वीनियंस सैंपलिंग का यूज करेंगे सो याद रखिएगा कन्वीनियंस सैंपलिंग जैसे हम कहते हैं सुविधाजनक प्रतिचयन और कन्वीनियंस को हम और एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं आपको ये भी याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग को एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं सो so, किस तरीके से यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो लोगों का ओपिनियन जानने के बजट पर मान लीजिए जर्नलिस्ट कोई मार्केट प्लेस पर खड़े हैं अब जो लोग उनको दिख दिख रहे हैं वो पर्टिकुलर कोई भी लोगों के पास जाएंगे और उनका ओपिनियन लेंगे अब मान लीजिए पर्सन के पास जर्नलिस्ट गए और उनसे ओपिनियन ले रहे इस पर्सन ने जो अः कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जर्नलिस्ट को तो कोई दूसरे पर्सन से जर्नलिस्ट रिस्पॉन्स लेंगे अगर इसने नहीं दिया तो किसी और पर्सन से और जर्नलिस्ट रिस्पॉन्स देंगे मतलब यहाँ पर एक एक्सीडेंट की तरह मतलब डायरेक्टली जाकर लोगों से ओपिनियन ले रहे यहाँ पर रिसर्चर ने नहीं डिसाइड किया था पहले से कि मैं इस पर्सन को लूंगा रिसर्चर को तो पता ही नहीं कि मार्केट में कौन से लोग है वो तो डायरेक्टली जा रहे हैं और लोगों से उनका ओपिनियन ले रहे हैं सो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो इस स्टडी को करने के लिए मतलब बजट पर लोगों के लेने के लेने लिए कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैंपलिंग इस सैंपलिंग मेथड का यूज करेंगे इस प्रतिचयन विधि का उपयोग करेंगे सो so, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा अब जो इनकरेक्ट uh, ऑप्शन है जो गलत विकल्प है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं जैसे रैंडम सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है आप रैंडमली किसी भी लोग को चुन लेते हो सो so यहाँ पर रिसर्चर को पता नहीं कि कौन से लोग रिस्पांस करेंगे कौन से लोग रिस्पांस नहीं करेंगे सो so रिसर्चर यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग का उपयोग नहीं कर सकते मतलब याद रखिए प्रीति चयन का उपयोग नहीं कर सकते Then B, non non sampling, जहाँ पर randomly, में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करते मतलब जहाँ पर रिसर्चर जजमेंट नहीं लगा सकते कि मुझे इस पर्सन से ही इंफॉर्मेशन मिल सकती मुझे इस पर्सन से इन्फॉर्मेशन मिल सकती ऐसा नहीं कर सकते रिसर्चर सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिसर्चर है

स्केल पर मापा जाता है इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है कि सोशल स्टेटस है रिस्पोंडेंट का आप सोशल स्टेटस मेजर कर रहे हो सब किस स्केल से रिस्पोंडेंट का सोशल स्टेटस मेजर करोगे मतलब कि जो प्रतिवादी है उनका सामाजिक प्रतिष्ठा को अगर आप माप रहे हो तो आप किस स्केल से इनके सामाजिक प्रतिष्ठा को मापोगे सो so, याद रखिए आपके जो स्केल ऑफ मेजरमेंट से उनके फोर टाइप्स होते हैं और इन चारों टाइप को हम कुछ इस शॉर्ट फॉर्म से आप रखेंगे स्केल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं है, और उसी तरीके से नोट्स जो है हमारे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें कहूंगी कि अपने वो नोट्स को एक बार अच्छी तरीके से रीड कर ले तो उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या है उनके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि नोट्स में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है इस टॉपिक को तो so, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जैसे लेवल ऑफ मेजरमेंट्स के फोर टाइप्स होते हैं नॉमिनल ऑर्जिनल इंटरवल एंड रेशो सो नॉमिनल स्केल क्या होती है जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको के बेसिस पर उसके कैटेगराइज करते हो उसी तरीके से ऑर्डिनल में आप सेम करते हो लेकिन ऑर्डिनल में आपके पास जो भी डेटा होता है उसको आप रैंक देते, देते हो ऑर्डर देते हो इंटरवल में सेम आप ऑर्डिनल की तरह करते हो लेकिन इंटरवल में आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करते हो और याद रखिएगा इंटरवल में आपका जो जीरो होता है ये आर्बिट्री होता है उसी तरीके से रेश्यो में इंटरवल के सारे कैरेक्टर्सिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे एंड रेश्यो में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा सो so, आपको पता करना है इस क्वेश्चन में कि जब रिस्पोंडेंट uh, है मतलब आप जैसे डाटा कलेक्ट कर रहे हो उनका आपको सोशल स्टेटस को मेजर करना है उनके तो आप कौन से स्केल का यूज करोगे ये फाइंड आउट करना है हमें इस क्वेश्चन में सो सोशल स्टेटस क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए सोशल so, स्टेटस मतलब आपकी सोसाइटी में क्या स्टेटस है आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो जैसे सोशल स्टेटस को क्लासेस में डिवाइड करा गया है मिडिल क्लास लोअर क्लास हाई क्लास ओके पहले हाई क्लास मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास सो यहाँ पर uh, ऐसे लोगों ने स्टेटस uh, बताया है सोशल स्टेटस सो सोशल स्टेटस है तो सोशल स्टेटस को आप कहोगे को कोई पर्सन हायर क्लास से बिलोंग करता है कोई मिडिल क्लास से और कोई लोअर क्लास से लेकिन आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हो मतलब आप किसी का एक रैंक नहीं दे सकते हो कि जो हायर क्लास के लोग है वो ज्यादा अच्छे हो गए लोअर क्लास के लोग से ऐसा नहीं कहोगे आप लोअर क्लास के लोग कम अच्छे होंगे मिडिल क्लास के लोगों से आप ऐसा नहीं कह सकते हो यहाँ पर लेकिन आप क्या करोगे आपके पास जो भी डेटा है उसके बेसिस पर आपने कैटेगराइज कर लिया उनको मतलब आपने तीन कैटेगरी में बांट दिया हायर क्लास लोअर क्लास मिडिल क्लास मतलब यहाँ पर आपके पास क्लासेस है आपका जो स्टेटस है सोशल स्टेटस है रिस्पोंडेंट का आप किससे मेजर करोगे आप नॉमिनल स्केल से क्योंकि आप यहाँ पर ऑर्डर नहीं दे सकते हो मतलब उनको रैंक नहीं दे सकते आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा अच्छा है किससे कौन से मिडिल क्लास के लोग ज्यादा

सो so, uh, है जिससे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं अगर उनका आपको सोशल स्टेटस मेजर करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल स्केल का यूज करेंगे मतलब नाम मात्र स्केल का यूज करेंगे और जो आपके जो प्रतिवादी है उनके सामाजिक प्रतिष्ठा को नापने के लिए उनको uh, किस स्केल से आप नापोगे उनका uh, ना, नाम स्केल से उनका जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको मापोगे सो so, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉमिनल स्केजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मापन किसकी प्रक्रिया है इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है मेजरमेंट जो होता है मेजरमेंट का प्रोसेस क्या होता है किस चीज का मेजरमेंट प्रोसेस होता है मतलब आपका जो मापन है ये कि किसकी प्रक्रिया है हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है मेजरमेंट so, मेजरमेंट क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए मेजरमेंट क्या होता है जैसे आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो कोई अनोन चीज है याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन होगी मेजरमेंट की कोई अनोन चीज है उसको आप मेजर करोगे कोई अनोन चीज है कोई अनोन थिंग है उसको आप मेजर करो जिसका आपका आइडिया नहीं है कि उसका वेट क्या हो सकता है तो so, उसे हम कहते हैं मेजरमेंट अब जैसे एवरीडे लाइफ में भी आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो कुछ आप खरीद रहे हो मेजरमेंट के बेसिस पर सो so, आप क्या करोगे उस चीज को मेजर कर रहे हो आप सो so, मेजर करोगे तो आपको क्या मिलेगा जो भी आपको आंसर मिलेगा जो भी आपको नंबर जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा आंसर मिलेगा वो नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा सो so, याद रखिए मेजरमेंट क्या होता है अनोन चीजों को जिसका हमें कुछ आइडिया नहीं होता है उन चीजों को मेजर करने को हम कहते हैं मेजरमेंट और मेजरमेंट में आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलता है आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो जो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा बेसिकली आपको क्वांटिटी मिलती है सो so, याद रखिएगा मेजरमेंट में आप अन्य चीजों को मेजर करते हैं और आपको नंबर्स के फॉर्म में रिस्पॉन्स मिलता है उसी तरीके से मेजरमेंट ज्यादातर फिजिक्स में अप्लाई किया जाता है जिसमें आप चीजों को मेजर करते हो उसी तरीके से आप कोई भी चीज को मेजर कर रहे हो आप कोई शॉप से कोई चीजों को खरीद रहे हो तो आप मेजर करते हो तो जब कोई चीज को मेजर कर रहे हो तो आप क्या करोगे उसकी रीडिंग को ऑब्जर्व करोगे जो भी रीडिंग आ रही है उसको आप ऑब्जर्व करोगे Observe के साथ साथ आप उसको रिकॉर्ड भी करोगे अब जैसे कोई आप experiment perform कर रहे हो physics में मान लीजिए आप कोई परफॉर्म कर रहे हो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर तो आप आ, कोई रीडिंग ले रहे हो आप उस चीजों को मेजर कर रहे हो तो आप क्या करोगे ऑब्जर्व करोगे पहले जो भी रीडिंग आ रही है जो भी आपका वेट आ रहा है उसको आप पहले ऑब्जर्व करोगे और फिर आप उस को रिकॉर्ड करोगे जो भी आपको रीडिंग आ रही है उसके बाद उसको आप रिकॉर्ड करोगे तो मेजरमेंट किस चीज़ का प्रोसेस होता है ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग मतलब आप जो भी चीज को मेजर कर रहे हो जिस भी चीज को आप नाप रहे हो उसको पहले आप उसको ऑब्जर्व करते हो मतलब उसका अवलोकन करते हो एंड फिर उसको रिकॉर्ड करते हो सो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट उट करन में में करना है कि दिए गए ऑप्शन में से दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही है अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो सही कह रहा है अबाउट असंभवता नमूनाकरण जिसे हम प्रतिचयन भी कहते हैं तो so, याद रखिएगा आप जब भी सैंपलिंग मेथड परफॉर्म करते हो जब भी सैंपलिंग चुनते हो मतलब जब भी नमूनों को चुनते हो तो आप दो तरीके से आपके नमूनों को चुनेंगे मतलब आपके जो सैंपल्स हैं उनको दो वे से चूज करते हो तो फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग

जजमेंट uh, कन्वीनियंस की बेसिस पर मतलब नॉन रैंडम वे से सिलेक्ट करते मतलब गैर यादृच्छिक ढंग से सिलेक्ट करते हैं मतलब सिलेक करते है और रिसर्च और पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सो so, इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में से दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट सही कह रहा है अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग सो एक एक कर कर हम सारे विकल्प देख लेंगे सारे ऑप्शन देख लेंगे ऑप्शन ए ईच आइटम ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन सैंपल नहीं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आप क्या कर रहे हो नॉन रैंडम वे से नॉन रैंडम लेक्ट नहीं हो सकता है उस केस में सो so, हर एक मेंबर्स का चांस नहीं होता है पॉपुलेशन में से जो हर एक आपका आइटम होता है हर एक मेंबर होता है उसका चांस ही नहीं होता है कभी कभी सिलेक्ट होने का सो so, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से रिलेटेड नहीं है उसी तरीके से ऑप्शन बी आइटम्स ऑफ सैंपल्स आर डेलिबरेटली सिलेक्टेड बाई द रिसर्चर सो यहाँ पर क्या हो रहा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रिसर्चर जो है डेलिबरेटली सैंपल्स को चूज कर रहे हैं ऐसा ना ही प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में होता है ना ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रिसर्चर डेलिब्रेटली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को मतलब अपने सैंपल्स को चुन नहीं सकते हैं मतलब डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर जानबूझकर जो आपके शोध करता है शोध करता आपके अपने नमूनों को नहीं चुनते हैं क्योंकि अगर वो जान बुझ कर चूज करेंगे तो उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेंगे तो so, जो मेम्बर नहीं आना चाहता है सैंपल में उसको नहीं लेंगे रिसर्चर तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका टोटली totally इनकरेक्ट है उसी तरीके से ऑप्शन सी आइटम्स आर नॉन रैंडम सिलेक्टेड बाय द रिसर्चर यस yes, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा नमूनों की इकाई को गैर यादरक्षक ढंग से शोधकर्ता के द्वारा चुना जाता है मतलब यहाँ पर जो आपके शोधकर्ता है जो रिसर्चर है पॉपुलेशन में से मेम्बर्स को नॉन रैंडम वे से मतलब अपने कन्वीनियंट जजमेंट और पर्पज के हिसाब से रिसर्चर को लगेगा मुझे इस पर्सन से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इस पर्सन को लूंगा मुझे इस पर्सन से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इस पर्सन को लूंगा इस तरीके से रिसर्चर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में अपने नमूनों को चुनते हैं सो so, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट एम्पिरिकल रिसर्च relies अनुभविक शोध किस पर निर्भर करता है इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपकी जो एम्पिरिकल रिसर्च है मतलब जो आपकी अनुभविक शोध है ये किस चीज पर निर्भर होनी चाहिए किस चीज पर रिलाई करनी चाहिए सो याद रखिएगा आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एम्पिरिकल रिसर्च मतलब कि अनुभविक शोध होती क्या है सो एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है एम्पेरिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो आपके ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हो मतलब ऐसे रिसर्च जिसमें आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो और आपके खुद के ऑब्जर्वेशंस पर आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपकी एम्पेरिकल रिसर्च होती है आप किसी की कही सुनी बातों पर आप किसी ने कुछ बोला है आप उस पर रिसर्च कर लो आप ऐसा नहीं करते बल्कि आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर कर देते हो आप आपके ऑब्जर्वेशन आपके एक्सपीरियंस पर रिसर्च बेस्ड होती है अब देखते हो कि रियलिटी में वो चीज एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है सो so, अनुभविक रिसर्च जो आपके अनुभव आपके एक्सपीरियंस आपके ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है उससे हम कहते हैं आपकी एक्सपेरिमेंटल सॉरी एम्पायरिकल रिसर्च जिसे हम अनुभविक शोध कहते हैं शोध जो होती है आपके उसमें आप जो डेटा कलेक्ट करते हो वो आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप डेटा कलेक्ट करोगे सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रश्न ए प्रयोग का माध्यम से संग्रत आंकड़े ऐसे आंकड़े जो आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू आप कलेक्ट कर रहे हो उससे हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च सो एम्पायरिकल रिसर्च आपके ऐसा डेटा कलेक्ट करोगे आप जो आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो सो so यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा देन ऑप्शन जो रिमेनिंग ऑप्शन से जो इनकरेक्ट है हम वो भी एक बार देख लेते हैं ऑप्शन बी डेटा कलेक्टेड थ्रू पब्लिश सोर्सेस पब्लिश सोर्सेस मतलब जो पहले से ही डेटा पब्लिश हुआ है आप पहले से ही डेटा पब्लिश है तो आप एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन क्यों परफॉर्म करोगे सो जो आपका ऑप्शन बी है जो आपका यहाँ पर विकल्प बी है ये भी गलत हो जाएगा प्रकाशित सत्रों से संग्रहित आंकड़े ये भी नहीं होगा आपका आंसर देन ऑप्शन सी बोथ डेटा कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड डेटा कलेक्टेड थ्रू पब्लिश सोर्सेस मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए और बी आपको गिवेन है ऑप्शन सी में तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट uh, हो जाएगा बिकॉज ऑप्शन बी तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा अगर सिर्फ ऑप्शन ए दिया होता ओनली ऑप्शन ए तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होता है लेकिन यहाँ पर बोथ दिया है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा बिकॉज आपका जो एम्पेरिकल रिसर्च में आपका जो भी डेटा होता है वो पब्लिश सोर्सेज के थ्रू आप डेटा नहीं कलेक्ट करते देन ऑप्शन डी डेटा कलेक्टेड फ्रॉम स्टडिंग थ्योरीज आप थ्योरीज को स्टडी करके डेटा कलेक्ट नहीं करते एम्पैरिकल रिसर्च में बिकॉज आपके ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस पर बेस्ड आप डेटा कलेक्ट करते हैं आप आपके रिसर्च में सो so, पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा सो एम्पायरिकल रिसर्च में आपका जो भी डेटा होता है आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हो वो आप आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड डेटा कलेक्ट करते हो सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट रिसर्च इज अ पर्सन ऑफ ट्रस्ट अवलोकन तुलना और प्रयोग की मदद की खोज है किसी समस्या के समाधान खोजने के उद्देश्य और व्यवस्थित तरीके से ज्ञान की खोज द्वारा परिभाषित तो इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है हमें पता लगाना है कि ये डेफिनेशन किस साइंटिस्ट की डेफिनेशन है किस साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन को लिखा था जैसे कि इस डेफिनेशन में हमें बता रहा है रिसर्च जो है रिसर्च एक ट्रस्टवर्दी स्टडी है और ट्रस्ट वर्दी स्टडी को हेल्प करने के लिए हम ट्रस्ट वर्दी स्टडी करने के लिए रिसर्च बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि रिसर्च जो होती है आपकी ये ट्रस्ट पर बेस्ड होती है उसी तरीके से आप यहाँ पर चीजों को ऑब्जर्व करते हो ऑब्जर्वेशन कंपैरिजन जैसे हम पिक्चरों को ऑब्जर्व करते वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके चीज़ों को टेस्ट करते हैं और नॉलेज को सर्च करते हैं नई नई नॉलेज फाइंड आउट करते हैं नॉलेज को रिसर्च अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए नॉलेज गेन करते हैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं और यहाँ पर सिस्टमेटिक मेथड से सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं मतलब स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट किसी भी समस्या को हल निकालने के लिए किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम मेथड्स परफॉर्म करते हैं अपनी रिसर्च में सो so, ये सारी रिसर्च की डेफिनेशन एक रिसर्च की डेफिनेशन जिसमें रिसर्च के सारे इंपॉर्टेंट बातें जो जो हम रिसर्च में परफॉर्म करते हैं सो so ये साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन में लिखा है सो so, इस डेफिनेशन को आ, कोठारी इस साइंटिस्ट ने लिखा है तो ये साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट है इस डेफिनेशन को इन्होंने 2006 में लिखा था आपको याद रखना है 2006 में कोठारी नहीं है रिसर्च की डेफिनेशन लिखी थी बहुत फेमस साइंटिस्ट है इंडियन साइंटिस्ट है सो so, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस आपको आते ही है एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के इस डेफिनेशन को किस साइंटिस्ट ने कहा था सो so, याद रखेगा इस डेफिनेशन इस डेफिनेशन को 2006 में कोठारी साइंटिस्ट ने कहा था और ये इंडियन साइंटिस्ट है सो so, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा एंड आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो